बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मामलात जो हैं वो बहुत ही दिलचस्प मराहिल में दाखिल हो चुके हैं, और दिलचस्प मराहिल ये हैं कि इमरान खान साहब लगातार पाकिस्तान की अस्करी क्यादत और कौमी सलामती के जो इशू हैं उन पर हर वक्त हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी भी रिसेंटली उन्होंने यही किया है। खान साहब जो है वो जब भी कोर्ट में जाते हैं तो उनको पूरा पूरा मौका मिलता है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का, अपना कथारसिस करने का, अपने दिल की बात करने का। हालांकि फ्लेक्सिबिलिटी का आलम, मैं जानबूझकर ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं रियायत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि फिर मेरे पीटीआई सुन्नी इतिहाद के जो दोस्त हैं वो नाराज हो जाते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, कैदियों के भी हकूक होते हैं। तो इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी का लफ्ज मैं इस्तेमाल करते हुए वेरी केयरफुली आप लोगों को अपडेट कर रही हूँ और पीटीआई वालों को याद करा रही हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी इस हद तक है इमरान खान साहब के पास कि अपनी मर्जी की बैरकें, अपनी मर्जी के खाने, अपनी मर्जी की सिक्योरिटी। वैसे तो जेल के अंदर जो कैद नॉर्मल एक कैदी है और 10 कैदियों के ऊपर एक सिक्योरिटी अहलकार तैनात है, लेकिन इमरान खान साहब के पास अकेले उनकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि हाई प्रोफाइल कैदी हैं, तो कोई 14 से 20 जो अहलकार है वो उनकी सिक्योरिटी पर मामार है। तो अपनी मर्जी की सिक्योरिटी और साथ ही साथ डेली की बुनियादों पर अपनी मर्जी की मुलाकातें, जिससे चाहें, जब चाहें, जिन जिन वकीलों से चाहे, जिस जिस केस पर चाहे वो बात कर सकते हैं, जिस जिस पार्टी के मेंबर से चाहे उनसे बात कर सकते हैं, ताकि वो बाहर आकर के अपना सियासी नैरेटिव बनाए। इससे बेहतर, और वो कहते हैं ना अंग्रेजी में आइसिंग ऑन द केक, इमरान खान साहब के लिए ये है कि जब वो कोर्ट्स में जाते हैं तो उनको मीडिया से भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। यहां पर जो हुक्मरान बाहर हैं, आजाद हैं, हुकूमतों के अंदर कुर्सियों पर बैठे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मीडिया से आकर के बात करें। हमें गेस्ट लेने में रोजाना जितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन इमरान खान साहब लगातार मीडिया से भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब जरा सा एसओपी फॉलो किया जाता है तो छतों को जाके लगते हैं, चीखें उनके निकलना शुरू हो जाती हैं और डायरेक्ट हमला, किसी छोटे मोटे बंदे पे तो करना ही नहीं है, डायरेक्ट आप जी पाकिस्तान के चीफ के ऊपर हमला करें, आप पाकिस्तान की अस्करी कयादत के ऊपर हमला करें, और आप एक ऐसा बयानिया बनाएं कि जिसके नतीजे में अगर कोई जवाब आए, जो कि आता है, तो फिर ये रोना शुरू कर देते हैं। अभी मैं स्पेसिफिकली अगर आपको मैं बताऊं, माहौल ज्यादा खराब तब हुआ कि जब इनकी बातों से पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है और जो पाकिस्तान के अंदर जो इन्हीं के फॉलोअर्स हैं जो बाहर हैं, उन्होंने इनके पीछे लग करके अस्करी क्यादत के ऊपर और पाकिस्तान की कौमी सलामती के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए, तो भाई जेल ने, इंतजामिया ने नए एसओपीज बनाए, और जब शेर अफजल मरवत साहब और जो भी इनके करीबी लोग थे जब वो रिसेंटली कल मुलाकात करने के लिए गए, तो पता चला कि जी अब 8 से 9 फुट के शीशे लग गए हैं। और मरवत साहब की जबानी, मरवत साहब को कोट करते हुए जो उन्होंने मीडिया को बताया कि भाई शीशों के आगे एक बल्ब है, बल्ब के अंदर एक कैमरा है, उससे आवाज भी रिकॉर्ड होती है और जो है प्राइवेसी जो है वो ब्रीच होती है, तो इसके ऊपर इन्होंने आके बड़ी शिकायतें की। और मरवत साहब ने आज तक कहा कि हमने जेल इंतजामिया को कहा है कि हम इस कैमरा को, इस माइक को, हम इस शीशों को, हम इनको चेक करना चाहते हैं और ये हमारे साथ गलत हो रहा है। लेकिन उस गलती का क्या, बल्कि उस गुनाह का क्या जो ये पाकिस्तानियों के जहन में डाल रहे हैं अपने बयानिए के जरिए, इस बारे में हम जरूर पूछेंगे कि आखिर इमरान खान साहब बार बार अस्करी क्यादत के ऊपर ही क्यों हमला करते हैं। साथ ही साथ सऊदी अरेबिया पर भी हमला किया गया मरवत साहब की तरफ से। शायद मरवत साहब ये भूल गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को याद कराना पड़ेगा कि इमरान खान साहब भी मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ जो है वो बहुत ज्यादा बोलते रहे हैं। हालांकि हालात उनके ये हैं कि चाहे तहाइफ हों, चाहे जेवरात हों, चाहे जिम का इक्विपमेंट हो, चाहे उनके साथ गाड़ी में बैठ करके ड्राइव करना हो, मौका वो कोई नहीं छोड़ते कुछ भी लेने का और अपनी पीआर करने का, लेकिन पीछे उनके खिलाफ भी वो बातें करते रहे। और फिर उनके पीछे लग करके शेर अफजल मरवत साहब ने भी ये कह दिया कि भाई ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये सऊदी अरेबिया का इसके अंदर पूरा पूरा हाथ है। ये भी पूछेंगे कि कैसे हाथ है, क्या शवाहिद है, क्योंकि फिर जब शवाहिद पर बात आती है तो इनके पास कुछ बचता नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हालात इनके ये भी हैं पीटीआई वालों के कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज को ये अटैक करते हैं, उनको ये कहते हैं ये टिकटॉकर की जो है ये चीफ मिनिस्टर है, और उनकी अपनी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल यह है कि पहले तो मरियम नवाज की सस्ती रोटी की पूरी स्कीम को कॉपी किया जाता है, और अपनी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मुशीर हैं जिनका नाम है जी मिशेल यूसुफ़ज़ई, और इनका नाम ही मुझे तब पता चला जब ये मुशीर बनी और मुझे लगा कि ये भी खैबर पख्तूनख्वा की फरागोगी बन गई है, और वहां पर जो है इनको एक फॉर्च्यूनर जो है वो इनके लिए अलॉट की जाती है। जब ये खबर लीक आउट होती है, ये खबर जो ब्रेक की जाती है वो जियो की एक फीमेल सहाफी, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, नादिया सबूही की तरफ से, तो नादिया सबूही को उनके नंबर के साथ पब्लिकली उनके मैसेजेस को आवेजा किया जाता है और हरास किया जाता है। एक फीमेल रिपोर्टर का आप नंबर दे रहे हैं और फिर उसके बाद आप ये मैसेजेस दे रहे हैं और ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये तो मुझसे पैसे मांग रही थी और क्योंकि मैंने इनको पैसे नहीं दिए तो इसलिए उन्होंने ये गलत स्टोरी एक लगा दी। हालांकि जो स्क्रीन शॉट उन्होंने शेयर किए हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं। अब इन तमाम तर चीजों को देखते हुए हुकूमत ने भी हाथ पे हाथ धड़े थोड़ी ना बैठना था,
ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि इमरान खान को मुल्क दुश्मन करार दे दिया गया है और कहा है कि उनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो मुल्क दुश्मनों के साथ किया जाता है। क्या ये उनका बयान ठीक है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सलमा भट्ट है पीएमएलएन से मेरे साथ, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से नदीम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कुरैशी साहब, आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है? आप मतलब अस्करी क्यादत पर, कौमी सलामती के ऊपर अटैक करते हैं, उससे नीचे तो आप किसी पे बात करते ही नहीं है। बाकी सियासतदानों को तो आप कुछ समझते नहीं है ना, डायरेक्ट आप बड़े साहब उनके ऊपर बच जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये होता है कि जब आपके बारे में कहा जाता है, चाहे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के इलामिये के मुताबिक हो या चाहे ख्वाजा आसिफ साहब कहें कि भाई अब तो एक्शन लेना पड़ेगा, अब तो इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, फिर आपकी चीखें निकलती हैं। आप चाहते क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो मेरा दिल चाह रहा है मैं आपसे पूछूं आप क्या चाहती है। जितना खौफनाक किस्म का बयानिया आपने अपने प्रोग्राम का आज जारी फरमाया है, जिस तरह से बातिल शिकन खिताब आपने फरमाया और उसमें आपने एक गैर तस्दीक शुदा इल्जाम की पूरी चार्ज शीट हम पर आयद कर दी, मैं आपसे तीन चार सवाल आज करना चाहता हूं अगर आप मुझे इजाजत देंगी। ये अस्करी क्यादत किस मुल्क की है? मेरे मुल्क की है। आपको किसने ये हक दिया कि आप ये कहें जी अस्करी क्यादत पे हमला किया, क्यों करेंगे हमला? ये हमारी क्यादत है, ये हमारा फख्र है, ये हमारा प्राउड है, ये हमारे मुल्क की क्यादत है। आपने जो दूसरा इल्जाम आयद फरमा दिया कि जी इमरान खान साहब के पास इतनी सहूलियात है, उनके पास 20 रुकनी फौज है, उनके पास फौज से मीन जो उनके उनका स्टाफ दिया गया है, क्योंकि हम ये लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करते हैं जहां गैदरिंग ज्यादा हो। आपने देखी है वो चीजें सारी, आप तस्दीक कैसे कर सकती हैं? सेकंड, जो बयान मुख्तलिफ रहनुमा जेल से बाहर आने के बाद देते हैं, इसके पास उनकी तस्दीक का आला है? कोई ऐसा आला है कि हम तस्दीक कर सकें कि ये गुफ्तगू है? मैंने रात सुना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक लीडर शानदाना गुलजार साहब को, जो भी इमरान खान साहब से मिलकर आई हैं, उन्होंने हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा कि खान साहब ने कहा किस तरह हो सकता है कि मैं अपनी अपनी अफवाज के हवाले से कोई गलत बात करूंगा, ये मेरी अफवाज है, मैं क्यों चाहूंगा पाकिस्तान के इदारों को क्रिटिसाइज करना? ये इदारे ही पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। ये पाकिस्तान के एक बड़े चैनल पर बैठकर एक रुकने असेंबली कह रही है जो परसों खान साहब से मिलकर आई है। मैं नहीं समझता कि आपके इन इल्जाम को मैं आपकी ख्वाहिश कहूँ, आपके इस प्रोग्राम को रेटिंग लेने के लिए इसका एजेंडा तैयार करना कहूं या इनको बेहुदा इल्जाम कहूं। मैं आपका साथी तौर पर बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन मैं नहीं समझता आप जैसी सीजन जर्नलिस्ट को इस तरह के बेबुनियाद इल्जाम पर प्रोग्राम करना चाहिए। शेर अफजल मरवत साहब ने जो कुछ कहा, आपको चाहिए जिन्होंने ये इल्जाम लगाया आप उन्हीं को प्रोग्राम का हिस्सा बनाए। मैं तो सऊदी अरब की उसी तरह से इज्जत करता हूँ जिस तरह से मेरे दीन ने मुझे कहा है। अच्छा मेरी भी सुन लेना, आप ही के साथ हूँ अभी, मैं सलमा के पास नहीं जा रही हूँ, बड़ी बातें हो गई हैं। मैं शेर अफजल मरवत साहब को भी प्रोग्राम का हिस्सा बना लूंगी, मैं बनाती भी रही हूँ माजी में, आइंदा भी बना लूंगी, पर अगर आप उनको अपनी पार्टी में रख रहे हैं तो इसका मतलब है वो जो कह रहे हैं आप उसको ऑन कर रहे हैं, और अगर आप उनको उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं तो मुझे पता चल जाएगा। एक्शन स्पीक्स आर लाउडर देन वर्ड्स। आप शंदाना गुलजार साहिबा की बातें कर रहे हैं, मैंने बहुत दफा उनको मैसेजेस किए, वो तो खैर मेरे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल नहीं है, आई डोंट नो, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, उनसे भी हम दोबारा राबता करने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन शंदाना गुलजार ने तो खुद मरियम नवाज के ऊपर एक ऐसा इल्जाम लगाया जिसके बाद वो FIA से स्टे पे स्टे लिए जा रही हैं और उनके पास जा नहीं रही हैं, तो मुझे नहीं पता कि उनकी क्रेडिबिलिटी आपको मरवत साहब की क्रेडिबिलिटी से ज्यादा कैसी लग रही है। बट हैवन सेड दैट, मेरा ये इशू नहीं, आपकी पार्टी के अंदर जो भी चल रहा है वो चले, मेरा ये इशू है कि मैं इस बात पर हैरान हूं नदीम कुरैशी साहब कि आप MPA हैं, इलेक्शन जीत कर आए हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके जो चेयरमैन है वो जब जेल के अंदर सहाफियों से मिलते हैं, जब बुशरा बीबी सहाफियों से मिलती है तो क्या कहती है, जहर से लेकर के तीन ड्रॉप हार्पिक तक का जो इल्जाम है, सुन ले ना सर, सुन ले, जहर से लेकर तीन ड्रॉप हार्पिक तक का इल्जाम आप पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर लगाते हैं और आप सऊदी अरेबिया के बारे में ऐसी बातें करते हैं उस टाइम पर जब आपको पता है कि सऊदी अरेबिया का वफ्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो यहाँ पे एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, डेवलपमेंट करने के लिए आया है, तो आप कहते हैं हमने कौन सी बात कर दी कौमी सलामती के खिलाफ? अगर ये कौमी सलामती के खिलाफ बातें नहीं है, अगर ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें नहीं है, तो फिर पता नहीं कौन सी बातें आपको अपडेट करना पड़ेगा। जवाब दें, मैं आगे सलमा के पास जा रही हूँ। जी सर, ठीक है, मैं आपसे गुजारिश करूँ, मैं आपकी तमाम तर इल्जाम की तरदीद करता हूँ। जब पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब जो इस वक्त नाजायज मुकदमात में जेल में मौजूद है, जिनकी जमात को इंतखाबात से बाहर करने के लिए वो सारे हरबे इस्तेमाल किए गए जिनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती, आपको प्रोग्राम तो इस चीज पर करना चाहिए था क्या कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर छीने जा रहे हैं, आपको प्रोग्राम तो इस पर करना चाहिए था कैंडिडेट से एक पार्टी का निशान छीन लिया गया। सर ऐसे ही मेरा प्रोग्राम, मेरी मर्जी है, मेरा रन डाउन है, आपने तर्दीद कर दी, आपने जमात को नहीं एक्सेप्ट किया, सर आपका मौका है, मुझे आपके, अरे मुझे
मुझे आपके प्रोग्राम का भी एहतराम है, आपका भी एहतराम है, गुस्सा ना करें, पानी के दो गिलास पिए, आपका ब्लड प्रेशर सिर्फ पानी से ठीक होगा, ये मेरी गुफ्तगू से ठीक होगा, क्योंकि मैंने तो मैं बड़ी अपने होशो हवास में और अपनी स्टोरीज और अपने रन डाउन के ऊपर कायम होकर के शो कर रही हूं। आज हवास में है, इतने गैर मुसद्दिका बातों पर इतने संगीन इल्जाम लगाना, और मैं समझता हूँ आप पाकिस्तान की यूथ को प्रोवोक कर रही है, आप इस सारे माहौल की क्रिएटर है, आप सहूलतकार है सारे माहौल की। मैं आपकी स्पेसिफिकली एज ए पर्सन आपकी बात नहीं कर रहा, वो तमाम लोग जो इस माइंड सेट के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, मुझे पाकिस्तान की अफवाज से, पाकिस्तान के इदारों से, मरवत साहब मिलकर आए इमरान खान साहब से, मरवत साहब ने पूरे मीडिया को बताया कि इतने बड़े बड़े शीशे लग गए, हमारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, अब तो कान में भी बात नहीं हो सकती। आप अपने शो में ये कह रहे हैं कि बीनेश ये गलत इल्जाम है, जिसका ये मतलब है कि आप इमरान खान साहब की सारी बातों की तर्दीद कर रहे हैं और आप इमरान खान साहब की सारे बयानियों को निगेट कर रहे हैं कि ना वहां शीशे लगे, ना वहां कैमरे लगे, ना वहां सरगोशियां करने जो है वो मना करार दिया गया, ना वहां पर जो है इमरान खान साहब जो बातें करते हैं कि जी फलाने, मैं नाम नहीं ले सकती, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लेने के देने पड़ जाएंगे सर, क्योंकि जिन जिन बड़े बड़े आप जर्नैलों का नाम लेते हैं ना, ये बुशरा बीबी के पीछे, एक मिनट मुझे बताएं बुशरा बीबी है कौन, है कौन बुशरा बीबी, क्या कि उनके पीछे दुनिया जहां की जो पुलिस पड़ जाएगी, दुनिया जहां की जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है वो पीछे पड़ जाएगी, बाएं हाथ का खेल अगर फिक्स कर रहा है सर, आप मुझे जोन में लेकर के जा रहे हैं कि मुझे आपको बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की जो कौमी सलामती के इश्यूज है वो क्या होते हैं, क्या डिमांड करते हैं, हाउ दे वर्क। सर टेक योर टाइम, आई थिंक सो यू नीड सम टाइम टू कंपोज। मुझे सलमा के पास जाने दें। सलमा अस्सलाम वालेकुम, आपने पूरी सिचुएशन सुनी, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं, क्योंकि बात ये भी होती है ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, आपको पसंद हो, मुझे पसंद हो, उनकी तर्ज सियासत सही हो ना हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे हैव फॉलोइंग, they have a lot of love of people, और elections ने ये साबित किया कि जाहिर सी बात है independent ही सही, लेकिन सबसे ज्यादा वोट इनके थे, लेकिन फिर भी ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान मुल्क दुश्मन है और उनके साथ वो सलूक होना चाहिए जो मुल्क दुश्मन के साथ होता है। ये बड़े सीरियस जो है इल्जाम है, क्योंकि आप उनके ऊपर गद्दार होने का, गद्दारी का जो है वो लेबल लगाना चाह रहे हैं, बल्कि लगा रहे हैं, क्या ये बातें ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बिनिश। देखिये मैं ख्वाजा साहब जाहिर बात है मेरे बड़े हैं, मेरे मोहतरम हैं और मेरे पार्टी के लीडर भी हैं, रहनुमा भी हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ और उनकी जो राय है वो बड़ी, उसको मैं बड़ा मुस्तनद भी समझती हूँ। देखिए लेकिन जो आपने मुझसे सवाल किया है, अगर ख्वाजा साहब ने ये स्टेटमेंट ना भी दी होती तो भी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। देखिए किसी की भी कंडक्ट बताता है, गुफ्तगू कैसे पता चलता है कि किसी शख्स के अंदर या उसकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, उसके नैरेटिव में, उसकी सोच में क्या है, जो वो गुफ्तगू करते हैं और फिर वो जो अमल करते हैं, यही है ना, और क्या तरीका है ना गेज करने का, मुझे नहीं पता कोई और पैरामीटर क्या है। देखें इमरान खान साहब जब 2014 में चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था तो ये धरना लगाकर बैठ गए, पूरी दुनिया ने देखा, नुकसान किसका हुआ, हुकूमत पाकिस्तान का हुआ, पाकिस्तान की अवाम का नुकसान हुआ। वो जो सी पैक था जिसके सेकेंड फेज के अंदर इंडस्ट्री लगनी थी और वो इंडस्ट्री जो थी एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री लगनी थी, इकोनॉमिक जोन बनने थे, वो ना बन सके। अच्छा दूसरी तरफ आप देखें कि अब अगर सऊदी अरब आ रहा है और क्या करने आ रहा है, इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, तो फिर हम क्या खोल कर बैठ गए हैं, हम किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, किस तरह के हमले कर रहे हैं ताकि हालात ख़राब हों, जिससे पता ये चलता है पीटीआई की जो सियासी सोच और वतीरा है वो ये है कि पाकिस्तान का नुकसान कर दो एट द कॉस्ट ऑफ उनकी ज़ाती सियासत। वो कहते हैं कि अगर मैं नहीं हूं, अच्छा इनको फिर कैसा पाकिस्तान चाहिए। दूसरी तरफ इस दो गुफ्तगू जो दो मैंने मिसालें दी हैं इनके बीच में, इनको पाकिस्तान में बतौर वजीर आजम और पार्टी को हुकूमत करने का मौका मिला, वो जो नया पाकिस्तान था उसकी हालत ये थी, मोदी फोन नहीं उठाता था, जो बाइडन फोन करता नहीं था, पुटिन ने कह दिया कि मेरे साथ कोई तेल का दावा नहीं हुआ, झूठ निकला वो, और एक जो सलमान MBS थे उन्होंने जहाज से क्यों उतार लिया, ताल्लुकात इतने खराब हो गए, UAE ने मुंह फेर लिया, चाइना के एम्बेसडर की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि हम CPEC में हमने इनसे ज़्यादा नलायक लोग नहीं देखकर हम इनसे बिल्कुल खुश नहीं हैं, और CPEC को जगह जगह इन्होंने बंद किया, और ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल स्टेटमेंट मौजूद हैं कि इमरान खान से चाइना खुश नहीं था। मुझे बताएं पूरी दुनिया से कट ऑफ करके, खारजी ताल्लुकात ख़त्म करके, मईशत तबाह करके, आइसोलेशन में जाकर ये कहते थे नया पाकिस्तान बन गया, और ये कामयाबी के पैरामीटर्स थे। दुनिया के तमाम जदीदों ने कहा कि पाकिस्तान
लो पे चला गया। दुनिया के जरीदे आपने क्या करने थे, 6% से हमारी जो तरक्की की शरह थी वो 2019 में 1.5 से नीचे चली गई। अच्छा, और तरक्की आती, और देखें बहुत इससे इनकार नहीं कर सकते, ये हकायक है। एक ऐसी चीज को बीच में जो किया, इससे साफ पता चलता है कि वो कहते हैं कि हम ना करेंगे ना करने देंगे, ना सियासत करेंगे ना किसी और को सियासत करने देंगे, ना काम करेंगे ना किसी और को काम करने देंगे। लिहाजा अब उनकी अप्रोच ये है कि इंतजार करना, और दूसरी तरफ इनका हमेशा से एक ही कैटेगोरिकल वतीरा है, झूठ बोलना, झूठे इल्जाम लगाना और सर पर एक ढोल उठा लेना इंतजार का, झूठ का और धमकियों का, और इस तरह की दहशत गर्दाना। मैं ये लफ्ज नहीं बोलना चाहती एक सियासी जमात के लिए, लेकिन ये लोग इतनी वॉयलेंट किस्म की एक वो लेकर निकलते हैं ना मूव। अब ये कहते हैं कि हम धरने करेंगे, धमकियां देते हैं, हम पता नहीं क्या क्या चलाएंगे, क्योंकि अब इनको नजर आ रहा है कि पंजाब हो या वफाक हो, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पिछले साल से बहुत बेहतर हो चुके हैं। पंजाब के अंदर क्योंकि मरियम नवाज शरीफ बतौर वजीर आला, इनको 1.5 महीने में कुछ नहीं मिला उसके खिलाफ, परफॉर्मेंस करती नजर आ रही है, इनको पता चल रहा है कि वो काम करती है, विजिलेंट है, जितनी मुलाकातें, जितनी मीटिंग्स, जितने विजिट्स और जितने इनिशिएटिव 1.5 महीने में मरियम नवाज ने लिए ना, इनके उस्मान बुज़दार साहब 4 साल में लेकर नहीं जा सके। उस तरफ आते हैं उस तरफ मैं बात करती हूँ, बात बहुत लंबी हो रही है, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक एंड इट्स अ हार्ड ब्रेक। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कोशिश करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शामिल करें। मीनवाइल पीएमएलएन एंड सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आर वेरी मच विद मी, वी विल बी बैक। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। सलमा भट्ट पीएमएलएन से, नदीम कुरैशी साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मेरे साथ मौजूद हैं। आई एम श्योर नदीम कुरैशी साहब ने बड़ा अच्छा और तगड़ा किस्म का अपना नैरेटिव और डिफेंस तैयार किया होगा, लेकिन कुरैशी साहब मेरा एक और सवाल आप ले लीजिए। मिशेल यूसुफजई को तो नदीम भाई आप जानते ही होंगे ना, मैं तो खैर इतना अच्छा नहीं जानती, मुझे सिर्फ इतना पता था कि उनकी शायद लीगल टीम में थी, और फिर उसके बाद हमने देखा कि वो मुशीर बन गई हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपके चीफ मिनिस्टर की। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट के ऊपर उन्होंने हमारी ही एक कॉलीग है सहाफी नादिया, जिनका ताल्लुक जियो न्यूज से है, उनके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया है, और ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं कि वो कह रही है कि सहाफी नादिया की जानिब से महीने के पैसे डिमांड किए गए, जो मैंने मना कर दिया कि ये इमरान खान की हुकूमत है, यहाँ लिफाफा नहीं चलता, तो बाकायदा प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। अब सर मसला ये है कि मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ अपनी रिसर्च नहीं की थी, क्योंकि जो इन्होंने मैसेजेस शेयर किए हैं ना, एक खातून सहाफी को बदनाम करने के लिए, एक बड़े ग्रुप को बदनाम करने के लिए उनके नंबर के साथ, उस मैसेज में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सहाफी पैसे मांग रहा हो, वो तो उल्टा जो फॉर्च्यूनर गाड़ी, हालांकि ऑलरेडी मिशेल यूसुफजई के पास एक अच्छी लग्जरी गाड़ी है, लेकिन उसका मॉडल पुराना है। तो फिर वो जो नए लोग हैं, आजकल के दौर के लोग हैं, वो पुरानी चीजें तो इस्तेमाल करने में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, तो नई फॉर्च्यूनर की जो अप्रूवल हुई है उसके ऊपर लेकर के ये अब तमाम तर जो प्रोपेगेंडा ये क्रिएट किया जा रहा है। सर ये आप समझते हैं कि ठीक है, कि आपको लगता है ये भी महज एक इल्जाम ही है, और मिशेल यूसुफजई जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है? इस इल्जाम का जवाब बाद में दूंगा, पहले मैंने आप दोनों मोअज्ज़ज़ मोहतरम और अजीम तरीन खवातीन के शोर हुआ, आपकी चीखो पुकार, आपके गुस्से गिले से तो एक चीज कंक्लूड की है, आपने कहा कि जी सीट में करोड़ रुपए इमरान खान साहब ने करवा दी। सुन ले, मैंने 20 मिनट गुफ्तगू सुनी है, आपने अपनी गुफ्तगू से ये फरमाया कि जी सी पैक कहां है, सुन तो ना बात सुनो करे ना, आप गेस्ट कमेंट ना करें, लेकिन देखें कुछ चीजें ना गिरी हुई होती हैं एक लेवल से, थ्रेशहोल्ड से नीचे नहीं जाना चाहिए। आप जजमेंट ना दें, ना मेरे ऊपर ना बीनिश के ऊपर, और बल्कि किसी के ऊपर भी नहीं देनी चाहिए, और स्पेशली खवातीन पे तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। आप ये जज, मैंने तो नहीं ये कहा कि नदीम साहब जो हैं वो बदतमीज हैं, नदीम साहब जाहिल हैं, नदीम साहब ये, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की ना। इसलिए आप ये मत कहें कि आप दो औरतें शोरोगुल मचा रही हैं। आप ये क्यों पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि औरतें शोरोगुल मचाती हैं, औरतें गलत बात करती हैं? भाई आप अपना कमेंट करें, आप अपनी बात करें, आप हमारे जजमेंट ना करें। जब आप किसी को प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे ना, तो आप उससे जितने बेहुदा सवाल करेंगे, आप उससे बेहुदा जवाब आपकी तवक्को भी रखा करें। आपको आसमान से उतरी मखलूक नहीं है।
खवातीन मेरी बीमा भी खत्म हो मेरे पास बेटियां भी है। आप तो स्पेशल नहीं, आप तो स्पेशल नहीं, आप ये ना मुझे मुझे ब्लैक मेल ना करें। ये पंजाब की कैबिनेट के बुजुर्ग, पंजाब की देखिए पंजाब की कैबिनेट के बुजुर्ग से ब्लैक मेल हो रहे हैं। मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। देखिए आप सुने, गलत बात के बयान नहीं करती, आप नहीं करती है। इस तरह की इजाजत नहीं दूंगी नो सर। You have to take your word back, इस तरह की बातें मुनासिब। देखिए बिनेश, मेरे बेहुदा सवाल कौन सा किया? मेरा कौन सा सवाल बेहुदा था? इसका तो जवाब दे दे। इससे चले सुनिएगा, हौसला रखिएगा। आप किसी एक जमात को उसके मुल्क के इदारों के खिलाफ मुतसादिम दिखा रही है, ये बेहूदगी नहीं है। आप एक कैद में बंद शख्स के ऊपर बेपरा झूठे इल्जाम लगा रही है, ये बेहूदगी नहीं है। आप आसमान से उतरी झूठे इल्जाम लगाना ये भी जुर्म है। आपने कौन से कहां से पढ़ा है? आपने आपने कौन पेट्रोल डालकर समझते हैं आपके प्रोग्राम की रेटिंग बढ़ जाएगी? खुदा का खौफ कर ले कुछ। अपने चंद लाख की तनख्वाह के लिए आप इस पूरे मुल्क को आग लगाना चाहती हैं? पहले बड़ी मुश्किल से हम उस आग से निकले। आप आइए, प्रोग्राम का आगाज किया आपने, ना आप किसी गरीब की बात की है, ना किसी मजदूर की बात की है, ना किसी किसान की बात की है। अगर इससे जराए नहीं कारखाने की एक बोटी के लिए पूरे पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, कैसे ना करें? आपके बात नहीं सुन रहे, आप बात सुने। अगर आप वजीर आज़म नहीं बन सकते आपके लीडर, पूरे पाकिस्तान के ऊपर बम गिरा देते हैं। अगर सारे जराइम का जिम्मेदार इमरान खान ही है, सी पैक उसने रुकवा दिया है, पाकिस्तान के चाइना से ताल्लुकात उसने खत्म करवा दिए हैं, और पाकिस्तान के सऊदी से ताल्लुकात उसने खत्म करवा दिए हैं, तो भाई जाए इन सारे अस्तुओं असलातूनों से कहे माफी मांगे जाके उसे अडियाला जेल में, जो अडियाला जेल में कैदी इतना ताकतवर है कि उसने ये पाकिस्तान के सारे अफलातून, सारे फिलोसफर, सारे अरस्तु फेल कर दिए, तो जाए जाए उसके उसके पांव पड़ के फिर माफी मांगे। वो जेल में बैठकर इतना ताकतवर है कि पाकिस्तान की मौशी पॉलिसी पर वो असर अंदाज है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर वो असर अंदाज है, पाकिस्तान के मसाइल उसकी वजह से है। तो फिर ये सब अहमद क्या कर रहे हैं इस मुल्क में? किस बात की फेडरल कैबिनेट है? किस बात की प्रेसिडेंसी में आपने एहराम मिस्र की मम्मियां बिठाई हुई हैं? इस वजह से आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में बिठाए हुए हैं? मुझे 47 वाले अजीब अगर सब करते हुए और मुझे आपको करेक्ट करते हुए अजीब लग रहा है सर। मैंने आपका मौका सुन लिया, सुन लेना, ये क्रॉस टॉक अच्छी नहीं लगती है टेलीविजन के ऊपर ना, ये लोग देखेंगे नहीं, चैनल चेंज कर लेंगे सर। आपके पास आपके माइक है, आप अपने माइक का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, आप एंकर हैं, आप मेरा मौका जाने नहीं दे रही। आप अपने झूठ से, अपने गैर मुसद्दक का खबरों से, अपने जाती इन्वेस्टिगेशन से आप जर्नलिज्म नहीं कर रही। आप इस सारे माहौल में आग लगा रही हैं, आप ज्यादा जुल्म कर रही हैं। आप उन्हीं लोगों में से हैं जो लोग कौन सी सियासत है यार? ये जरा ट्वीट जरा चला दे भाई, इनको दिखा दे, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ। ये जो मिशेल यूसुफ़ज़ई ने ट्वीट की है अपनी एक फॉर्च्यूनर रखने के चक्कर, ये जुर्म होता है कि आप एक खातून आप सोशल मीडिया पे डाल दे ताकि लोग हरास कर, ये वही हरकत है जो 2 मई को आपने किया। मैं आपको ट्वीट दिखा रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे इसके ऊपर कॉमेंट कर दे, आप फौरन कह रहे गलत खबर है, ये गलत खबर है। तो आप कहें कि मिशेल यूसुफ़ज़ई ने गलत खबर आपने चलाई है, गलत एटीट्यूड उसने अपनाया है। आप मुझे पहले इसके बारे में तो बताएं। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। पहले मुझे मेरी बहन ने कहा शर्मा भट्ट साहब ने कि जी को जो बाइडेन का फोन नहीं सुनता था, पुतिन इनसे बात नहीं करता था, मोदी इनको मिलता नहीं था। हाँ, अब जो बाइडेन कैमरे लेके मरियम नवाज साहब की टिकटॉक बना रहा है, मोदी अब नान भाई के साथ बैठकर रोटियां बेच रहा है, और पुतिन आया हुआ पूछने के लिए जी आपकी फ्रेशनेस का राज क्या है। अब सारी इंटरनेशनल वर्ल्ड पाकिस्तान में आ गई है यार। इतना इतना इतने झूठ बोलना लोगों को, आप ये समझते हैं पाकिस्तान के लोग बेवकूफ है? अब आपकी बात का जवाब दूं, मिशाल यूसुफ जई को बुलाएं अपने प्रोग्राम में और उनसे पूछें, ये इल्जाम किसी का, तफ्तीश किसी से, ये पाकिस्तान आरबीएम में अब निजाम इंसाफ वैसे फेल हो रहा है। जो जुर्म करेगा वो जवाब देगा। और मैं नहीं समझता
कि आपको जो वजीर अला पंजाब साहब 3 अरब रुपए का हेलीकॉप्टर मिली है, जो 3 करोड़ रुपए की गाड़ी पे टायर चेंज करवा रही है, उसके बजाय आपको मिशाल यूसुफ से एक पे प्रोग्राम करना चाहिए था। आप वजीर अला पंजाब पे प्रोग्राम कर रहे हैं, जो 3 अरब का हेलीकॉप्टर ले रही है। मुझे पता चल गया, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो पंजाब चैप्टर है, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, वो जो है बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा, उनकी काबीना, उनके मुशीर, उनके जो वजीर हैं, उनको ओन नहीं कर रहे और ना उस कारकर्दगी को ओन कर रहे हैं। मुझे सर आपका पॉइंट मिल गया, फेयर इनाफ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब अगर केपीके पे बात करनी है तो उन्हीं को ही बुलाना पड़ेगा। आपको मैं पीटीआई को डिफेंड करने, इमरान खान साहब के मौकफ के ऊपर बात करने के लिए नहीं बुलाऊं, ना खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो आपकी हुकूमत है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करने के लिए बुलाऊं। मिशेल साहिबा को जरा मिलाने की कोशिश करें, आती है तो ठीक है, उनको हम बता देते हैं, दो दो तीन तीन चार चार जितनी भी पीटीआई ले लिया हम। नहीं, मैं किसी का माइक बंद नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। माइक भी बंद करना, लो सलमा। नहीं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। जो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, ये भाई ने अभी जो पिछले 10-15 मिनट में जो शो पेश किया ना, ये एग्जैक्टली दिस इज अ ट्रू पिक्चर ऑफ पीटीआई, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पीटीआई। अब आप इसके अंदर इनका इंफॉर्मेशन लेवल देख लें, इनका अपना बात करने का अंदाज देख लें, इनके अल्फाज का चुनाव देख लें, इनकी आप हरकत देख लें कि ये इनका ख्याल है कि जितनी ज़्यादा बदतमीज़ी करके, गालिम गलोच करके, दूसरों को हरास करके, ये जितना ज़्यादा इतना हाइपर होकर यूं मंजरकशी करेंगे, ये उतने ज़्यादा इनकी वो ना वैलिडेशन होगी और अवाम इनके पीछे आएगी और लोगों को ये मुतासिर कर पाएंगे। बेसिकली इन्होंने मुतासिर करने की कोशिश की है, जो कि सरीहन ये एक ट्रू पिक्चर इन्होंने सही अकासी की है कि व्हाट इज पीटीआई। देखें, इंफॉर्मेशन इतनी पुअर है इनकी गुफ्तगू में कि ये जिस एक मिनट खामोश, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। अच्छा, जिस टाइम को नहीं बोलेगा, अच्छा जिस टाइम पे ये इमरान खान की कह रहे हैं कि अच्छा अगर ये सारे रस्तू फेल हो गए तो इमरान खान से जाके माफी मांगे, भाई हम तब की बात कर रहे हैं, ये सारी दुनिया तब नाराज हुई थी जब इमरान खान वजीर आजम थे। मैंने उन 3.5 सालों की मिसाल दी है, मैंने ये नहीं कहा कि वो जेल में बैठे हुए थे हुकूमत। भाई जब से वो जेल में गए हैं, लोगों के बच्चों के एचिसन स्कूल कॉलेज की सड़क नहीं बंद हुई, जब से वो जेल में गए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई सड़क एहतजाज की वजह से जो 24 घंटे सड़कें बंद रहती थी, बच्चों के स्कूल जाना हराम हो चुका था, जमान पार्क के अंदर जो पेट्रोल पंप का तमाशा लगा होता था आए दिन, और एचिसन कॉलेज वाले बच्चे जो थे सारा दिन रुलते रहते थे, पेरेंट्स को हफ्ते में 3 दिन हमें स्कूल लाहौर के बंद रखने पड़ते थे, वो सब खत्म हो गए। लोगों ने शुक्र का और सुख का सांस लिया है कि ये शख्स जेल गया है, कम से कम सड़कें खाली हुई हैं, लोगों को फंक्शनल होने का मौका मिले, जिंदगी नॉर्मल हुई है, दफ्तरों में जाने आने के टाइम मुनासिब हुए हैं और ट्रैफिक कंट्रोल में आई है। अच्छा, दूसरी तरफ जो हमारे नौजवान, देखिए पिछले 2-3 सालों में इनके दौरे हुकूमत से लेके ऑनवर्ड्स पाकिस्तान से 15 लाख लोग बाहर चले गए, मुंतकिल हो गए, क्योंकि वो यहाँ से मायूस होके गए ना, यंग लोग, जिन यंग लोगों के इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो यंग लोग इन्हीं से मायूस होकर मुल्क बदर होने को तैयार हो गए, जा रहे हैं, धड़ाधड़ जा रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जब से ये जेल में बैठे हुए हैं उसके बाद से तो हालात ये हुए हैं कि IMF का प्रोग्राम जो ये बंद करके गए थे, जिसके IMF को इन्होंने खत लिखा, इनके वजीरों ने खत लिखा कि पाकिस्तान हुकूमत की मत करो मदद, क्योंकि आप हमें लेकर आओ, अगर हम नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। इन्होंने कहा हम वजीर आजम नहीं होगा मैं तो खुदा ना खासा पाकिस्तान पे बॉम्ब भी गिर जाए तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान के 3 टुकड़े भी हो जाए तो कोई बात नहीं। ये वो सोच है, ये वो लोग हैं जिनकी ये, जिसको ये सियासत कहते हैं, ये इनका सियासी नैरेटिव है और पाकिस्तान के लिए ये अपना पेश कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है, जब से एक बात, एक जुमला बस, इनकी जो सियासत है वो तो है, ये तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन बहैसियत हुकूमत, पंजाब हुकूमत, बहैसियत वफाकी हुकूमत, सियासी तौर पर इनका काउंटर करना, इनसे पूछना, हुकूमत की रिट कायम करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना। ये जो अच्छा है आके इल्जाम लगाते हैं, हा हा ही पूरी मच जाती है, पूरे टेलीविजन शोज उसके ऊपर होना शुरू हो जाते हैं, पूरी व्लॉगिंग उसके ऊपर होना शुरू हो जाती है, और ये बड़े आराम से ये अपना मौका दे देते हैं कि जी उनका जाती बयान है, आप उनसे जाके पूछे, लेकिन हुकूमत ये क्यों बर्दाश्त कर रही है पंजाब के अंदर भी, उसके अंदर रियासत के ऊपर सलामती को जो है इतना बड़ा थ्रेट दिया जा रहा है, क्वेश्चन मार्क आया जा रहा है, What is the government doing? मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद, प्लीज इसका जवाब सोच के रखिएगा सलमा। I'll be back shortly. We'll be back. के बाजी आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं, सलमा भट्ट है, नदीम कुरैशी साहब है। सलमा, 1-1.5 मिनट में जरा प्लीज सवाल का जवाब दे दीजिए ताकि फिर मैं आगे कुरैशी साहब की तरफ जाऊं। जी जी बिल्कुल, अब जो पाकिस्तान की हुकूमत है
उसका जो है ना डायरेक्शन और फोकस वो ये है कि यहाँ पे सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है, एक वफद होकर गया है, इसके फॉलोअप में यहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे, उसके फॉलोअप में यहाँ पे मजीद हाई लेवल डेलीगेशन आएंगे, यहाँ पे MOU साइन होंगे, यहाँ पर जो ज़रात में, मादनियात में, मिनरल्स में, माइंस में, IT में, यूथ एम्प्लॉयमेंट में हमारी कलेबोरेशन होने जा रही हैं और हम काम को फोकस करना चाहते हैं, हम मईशत को बहाल करना चाहते हैं, हमारा एजेंडा ये है। हम पंजाब के अंदर अगर आप आते हैं और अगर आपने खुद शुरू में बात की थी कि यहाँ पर 16 रुपए की रोटी हुई है और 20 रुपए का नान हुआ है, 500 रुपए जो हैं आटे के 20 किलो के थैले पे कम किए गए हैं और सब्सिडीज, स्पेशल सब्सिडीज आ रही हैं ज़रात के अंदर, और आने वाले वक्तों में हम मॉडल ज़रात के जो मार्केट्स हैं उनको प्लान कर कर बैठे हैं, जिसमें वन रूफ के अंदर यहाँ पे सीड मिलेगा, जहाँ पर खाद मिलेगी, जहाँ पे इक्विपमेंट मिलेगा, जहाँ पे ज़राई कर्जे मिलेंगे, ये पूरा पैकेज है। ये रोटी सस्ता होना वन ऑफ द थिंग्स नहीं है, ये कोई ऑप्टिक नहीं है, ये एक सीरीज है, कनेक्टिविटी है जिसको हम, और दूसरा इस दफा हमारी वीट की बम्पर क्रॉप होने जा रही है, जिसका हमने सदेबाब ये किया है कि जिसकी प्रोक्योरमेंट का टाइम बढ़ाने के लिए ऑलरेडी फेडरल हुकूमत ने खत लिख दिया है और हम उसकी स्मगलिंग को रोकेंगे, क्योंकि हम वो हुकूमत नहीं है जो पहले गंदुम को एक्सपोर्ट करती है, फिर वही गंदुम इम्पोर्ट करती है और 33 रुपए का आटा 110 रुपए का कर देती है। I got your point. Nadeem Qureshi sir, basically situation ये है, one liner मैं आपको बता देती हूँ जो सलमा कह रही है, आपने पूरी बात तो सुनी ली है कि आप कह रहे हैं माफी मांगे, जेल में आके माफी मांगे, वो तो आपको डी लिफ्ट पे रख रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने इमरान खान के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, जो आपने करना है, जो बयानिया बनाना है बनाते जाए, हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, ये ले जी, ये पढ़िए आपकी माफी। मैंने गुजारिश ये की थी, आप मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करें, आप जज्बाती हो गई, आप खाम खा जो है ना जी प्रोग्राम को, शायद आपका कोई तरीकाकार होगा, इस तरह से शोर मचने से प्रोग्राम अच्छा होगा। मैंने गुजारिश ये की, जब आप सारे इल्जामात की बुनियाद एक शख्स को ठहरा रहे हैं, आप कहते हैं जी वो एक शख्स जो जेल में कैद है वो इन सारे मसाइल की जड़ है, वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल ताल्लुक खराब करवा रहे हैं, वो पाकिस्तान के मौशी मसाइल पैदा करवा रहे हैं, तो भाई वो अगर इतना ताकतवर शख्स है और सब आप बाहर होकर सारे इंटेलेक्चुअल, सारे संजीदा सियासतदान, सीनियर सियासतदान, 40 साल की पोलिटिकल पार्टी इतनी ही पीक है कि वो शख्स आप पर हावी है, तो आपको चाहिए कि जाके आप उस शख्स से माफी मांग ले। मैंने इस कॉन्टेक्ट में बात की, दूसरा मैं गुजारिश कर दूं, सलमा भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, ठीक है, आपने सलमा भट्ट साहब को 10 मिनट सुना, मुझसे एक बेड़ा बर्दाश्त नहीं करती, मुझे नहीं समझ आ रही आज आपका इशू क्या है। आपने ना मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने मुझे ये नहीं बताया कि इमरान खान साहब को जो शीशे लगे हैं वो किसने लगाए हैं, मरवत साहब जिनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और सऊदी अरेबिया के ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं वो ठीक है गलत है आपने नहीं बताया, मिशेल यूसुफ़ज़ई कहां से आ गई, सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ बदतमीजी करने के बाद वो आपकी पार्टी में शामिल हो गई और इस लेवल तक पहुंच गई कि उनको फॉर्च्यूनरें दी जा रही है, आप मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, आप सिर्फ मेरे पे PhD करना चाहते हैं, मेरे शो के ऊपर कॉमेंट करना चाहते हो, मेरे शो में आए गेस्ट पे, आपने जाके टाइम निकालिएगा कॉन्टेंट पे तो बात कर ले, मैं वही पे खड़ी हूँ जहां पे मैंने शो शुरू किया था सर, आप जरा कंटेंट की बात कर ले जो आखिरी 2 मिनट रह गए हैं। सुने ना, मैं स्टूडियोज में नहीं हूँ, मैं स्काइप पे हूँ, मेरी गुफ्तगू के दौरान आप फौरन छलांग लगाती है, मेरी बात रोक देती है, मुझे ना आपकी बात समझ आती ना आपको मेरी बात समझ आती। अभी सलमा भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, चले मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ, अल्लाह करे मैं दुआ को ये जो प्रोजेक्ट्स कह रही हैं वो लफ्जों और तकारीर से प्रैक्टिकली ग्राउंड पर आ जाए आम आदमी के लिए। इन्होंने भी किसान की बात की है, इस वक्त पंजाब में वीट की प्रोक्योरमेंट हो रही है, आप बिलीव करें अभी तक कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है कि गंदुम जिस जमींदार ने पैदा किया इतनी शरीफ मेहनत करके उसे खरीदारी की जाए। आज पंजाब के जो काश्तकार हैं, ये मैं आपकी कॉमन बात कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में, ये एक ही बात सबसे अहम अगर मेरी हो गई तो आप खुद देखेंगे कि पंजाब का फार्मर कितना इस बात से खुश होगा। पंजाब की गवर्नमेंट फेल हो चुकी है उस गंदुम की परचेजिंग की पॉलिसी बनाने में, जिस शख्स को ये ताना दिया करते थे उस्मान बुज़दार, जिसकी उसकी गवर्नमेंट में जो हुआ करता था, एक एक दाना हम परचेज करते थे, अखबार में इश्तहार नहीं देते थे, अरबों रुपए जाया नहीं करते थे, सारी डिस्प्ले स्कीम नहीं चलाया करते थे, वीट परचेज किया करते थे। आज वीट सड़कों पर पड़ी है, लाहौर में गुजरेगी अभी, आप देखिए कि कितनी वीट आपकी सड़कों पर सेल हो रही है, खरीदने वाला कोई नहीं है। तो पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी सोशल मीडिया से आगे कुछ भी नहीं है। जहां तक आपने बात की है खान साहब के शीशे लगाने की, तो मैं कहता हूँ ना ये जुल्म होना चाहिए, ये जबर नहीं होना चाहिए। आपने ख्वाजा आसिफ साहब की मिसाल कोर्ट की, ख्वाजा आसिफ कहते हैं इस जमात पे पाबंदी लगनी चाहिए, ख्वाजा आसिफ ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि 1965 की जंग भी पाकिस्तान हारा है, पाकिस्तान का यौम दिफा मनाना ही जुर्म है। मैं तो ये बात करते हुए खौफ खाता हूँ, किसने हमें इलेक्शन दिए थे? नवाज शरीफ साहब ने वो मरहुमा जो एडवोकेट थी उनकी बरसी पर इसको मुखातिब करके थ्रेट किया था,
जो बातें आप माजी में खुद कर चुके हैं, लोगों पे उन पे इल्जाम लगाए हैं, पाकिस्तानी कौम इतनी अदम इस्तेहकाम का शिकार है मौशी तौर पे, एक गरीब जो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए सारा दिन घूमता है और रोटी नहीं मिलती, जब एक माँ और बाप बच्चों समेत खुदकुशी करते हैं, तो मैं नहीं समझता हुक्मरान या आप और हम सब इसे बड़ी जिम्मा होंगे। आप कॉमन आदमी प्रोग्राम करें, आप बजाय मेरी बहन ये चीजें प्रोवोक करने के जी वो फलां चीफ को, ये किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, पाकिस्तान के सारे इदारे लिए मेरे मोहतरम है, पाकिस्तान के सारे इदारों के चीफ हमारे लिए मोहतरम है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल पॉलिसी इस तरह से है। अगर कोई शख्स अपनी जाति कैपेसिटी में कोई स्टेटमेंट देता है तो वो उसका जिम्मेदार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़े बाजी पॉलिसी है, पाकिस्तान की अवाम ताकत का सरचश्मा है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान में इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। इमरान खान आज इमरान खान साहब बकौल नदीम कुरैशी साहब के जो भी बयानात दे रहे हैं वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दे रहे हैं, उसका पीटीआई और पॉलिटिकल पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके डिस्कशन को समझने की कोशिश करेंगे। तक जी 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 कुरैशी साहब बोलिए जी जी, कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं बोलिए। यही तो मेरी प्यारी बहन, आप दूसरे के मुंह में अपने लफ्ज डालकर अपनी मर्जी का बयान लेना चाहती हैं। आज आपका प्रोग्राम वाकई शेड्यूल्ड है, आप चाहती हैं कि कोई ना कोई नया सारे इदारे अच्छे हैं, सारी फौज अच्छी है, तो भाई ये तीन खतरे हार्पिक के आर्सेनिक जहर, इसको जहर दे रहा जा रहा है, उसको जहर दिया जा रहा है, ये हमारे पीछे पड़ गया, ये यार तो फिर जाति कैपेसिटी में ही हुआ ना सर। आप तो कह रहे हैं मैं आपको गुजारिश करूँ, इमरान खान के साथ जुल्म और जबर किया जा रहा है वो छुड़ा हुआ है आपसे, 180 मुकदमा। अगर व्हाइट कलर का सूट पहने तो इस पे FIR, अगर जूता सही नहीं, जूता ब्लैक कलर का पहन लिया तो इस पे FIR, सांस क्यों लिया इस पे FIR, खाना क्यों खाया ये लोगों को नहीं पता। फिर लोगों ने क्या किया 8 फरवरी को, लोगों ने इमरान खान को कौन सी FIR है कि जो कि सफेद सूट और काले जूते पहनने पर गया। ये जो मिसालें आपने जिस तरह से दिया ना, मैंने भी उसी तरह से मिसाल दी है, खाना खाने पे एफआईआर नहीं हो रही, 25-25 खाने खाए जा रहे हैं, देसी मुर्गियां खाई जा रही हैं, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही, सफेद सूट पहनने पर और काले जूते पहनने पर एफआईआर हो रही है। माँ सदके जाइए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे डिस्कशन को समेटेंगे। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। सलमा भट्ट साहिबा भाई, बहुत जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं इमरान खान के ऊपर, ये जुल्म नहीं करना चाहिए, अल्लाह से भी डरना चाहिए और इमरान खान साहब के जब वो दोबारा हुकूमत में आएंगे उससे भी आप लोग डरे भाई, ये मैसेज आपको दिया जा रहा है, ना करें इतना जुल्म, क्यों कर रहे हैं आप इतना जुल्म इमरान खान साहब पे। अच्छा मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ, देखें हमारे जो रियल टाइम इशूज हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं, वो ये नहीं है, वो ये हैं कि हमारे पास इस वक्त हमें अपनी हम हुकूमत में आए ना, हमारी जिम्मेदारी है, हम हुकूमत में इसलिए नहीं आए थे कि इमरान खान ये कहते हैं तो वो कहते हैं तो यूँ करते हैं तो वो करते हैं, हम हुकूमत में इसलिए आए थे कि हमारे पर जो ये जो पंजाब की जो 12.5-13 करोड़ आवाम है ना, इसकी गवर्नेंस के इशूज़ हैं, इनके रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल हैं, इनको हल करना है। देखें इनको ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम है, इनको 1.5-2 महीने में एक बात समझ आ गई हुई है और ये जानते हैं, ये इर्दारी बात टीवी पे बैठ के नहीं मान सकते ना, मुझे पता है इनका, ये कैसे मान लें, इनको 1.5-2 महीने में समझ आ गई है कि कैसी वजीर आला है जो रोज़ सुबह 9 बजे अपने दफ्तर में होती है, जो रोज़ हर मतलब डिपार्टमेंट वाइज ब्रीफिंग्स भी लेती हैं और फॉलोअप भी करती हैं, जो उन्होंने बातें पहली मीटिंग में कही, जो पहली तकरीर की थी उन्होंने और उसके बाद उन्होंने इसको फॉलोअप किया। अच्छा असेंबली के अंदर एक छोटी सी मिसाल है, इनसे पूछें जब इनकी दौरे हुकूमत था असेंबली का इजलास जो था उसका दौरानिया क्या होता था, लिटरली असेंबली का इजलास शुरू होता था तिलावत नात के बाद, या वो सस्पेंड हो जाता था, प्रोरोग हो जाता था, या नेक्स्ट डे की डेट डल जाती थी, कभी 15 मिनट ज्यादा कोई इजलास नहीं हुआ था, बिजनेस ही नहीं होता था, ऑर्डिनेंसेस के अलावा कभी वहां पे कोई बिल जिस पे बहस नहीं हुई इनके 4 सालों में। अब स्पीकर जो मलिक अहमद खान साहब है वो आते हैं, पूरा दिन बैठते हैं, सेशंस होते हैं, पूरा टाइम होता है, डिबेट्स होती हैं, डिस्कशन होती है, एक असेंबली का एक माहौल पैदा हुआ है, पता लगा कि पंजाब में कोई असेंबली भी चलती है, इसी तरह पंजाब में कोई गवर्नेंस है। आप खुद देख लें, देखें 1.5 महीने में एक तरफ 30 इनिशिएटिव्स का जिक्र करना और सारे पंजाब के हवाले से जिक्र करना, और एक तरफ 4 साल में गुजार साहब के आप इनिशिएटिव्स निकाल कर देख लें, 750 तरक्याती मनसूबा बंद हुआ पंजाब के अंदर 4 सालों में, दूसरी तरफ आप देख लें कितनी तकरीरें आपने अभी तक मरियम नवाज की सुनी है जिसमें वो कहती हूँ इमरान खान का ACU उतार दो, इमरान खान का घर से खाना बंद करा दो, इमरान खान का TV बंद करा दो, इमरान खान ने क्लास कौन सी ली हुई है, बुशरा बीबी जो है वो घर में लेकर बैठी हुई है, जो सब जेल बनाकर बैठी हुई है, आपने कभी कोई इसमें से कोई एक जुमला मरियम नवाज की तकरीर में सुना जब से वो वजीर आला बनी है,
जिसका मतलब क्या है कि वो वजीर आला हैं, वो गवर्नेंस करने आई हैं, वो 12-13 करोड़ अवाम के मसाइल हल करने आई हैं, वो सियासी इंतशार फैलाने, सियासी इंतकाम लेने और सियासी जो जो बहस है ना उसको तोड़ मरोड़ के जो वक्त मिला है काम करने का उसको भी जाया करने नहीं आई हैं। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, वेरी गुड, बड़ा अच्छा पॉइंट है। बस एक आखिरी मिनट जो है, नदीम कुरैशी साहब ये देख लें, आप भी जरा दिल अपना बड़ा करें, आप भी पाकिस्तान को आगे लेके जाने में इनकी मदद करें। ये आपने उन्होंने बताया, उन्होंने आपको अपना पूरा प्लान बता दिया, आखिरी एक मिनट है, जरा समाप्त कीजिए सर। सलमा भट्ट साहब, तो मुझे ये बताएंगी पूरी सच्चाई से कि इनकी वजीर अला पंजाब से अभी तक कितनी मुलाकातें हुई? मैं बताना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ, छह मुलाकातें हुई हैं। चलें आगे आए। अच्छा बड़ी, चलें अगर एक एमपीए से उन्होंने 6 मुलाकातें 2 माह में कर लिया, फिर उन्होंने पंजाब के 12 करोड़ लोगों को संभाल लिया। दूसरी बात, ये मेरी बहनों की तरह से मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। कितने अफसोसनाक बात है, ये कहती है जी उस्मान बुज़दार के दौर में अब उस पर बहस नहीं होती थी, बिल्स में बिल्स वैसे पास हो जाते थे। बिल्स पर आपको पता है जब गवर्नमेंट साइड से बिल्स आते हैं अपोजिशन उस पर बहस करती है। कमेटी कोई नहीं थी भाई, नदीम भाई एक भी पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं थी। अरे सुन तो, 16 कमेटियां होनी जरूरी नहीं, कोई एक भी बनाई आपने 4 साल में? बताएं आपने, आपके तौर का सारा सेशन हमजा शाहबाज साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए, आप मियां नवाज शरीफ की भाई 8-8 यूनिवर्सिटियां आप एक दिन में बनाते रहे लोगों से पैसे लेकर, मुझसे फिर मुझसे सुनेंगे सच्ची बातें? कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा आप कहती हैं आप कहती हैं सलमान जरा बात मुकम्मल करने दे, मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है, बात मुकम्मल करने दे जी। कुरैशी साहब मुकम्मल कर लें प्लीज, वेरी क्विकली। मैं गुजारिश कर दूं आपसे, पंजाब की आवाम की मैंने कितनी बड़ी अहम आपसे बात किया कि गंदम की फसल आई हुई है, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है। सस्ती रोटी स्कीम शहबाज शरीफ के दौर में शुरू हुई थी, वो जो सस्ते तंदूर इलेक्ट्रॉनिक तंदूर आए थे वो कहाँ गए? अरब रुपए चला गया। ये उसका पार्ट टू है, सस्ती रोटी है, सिर्फ लोगों को डीप ट्रैक करना भाई, लोगों का मसला। लोग तो आपसे वो 300 यूनिट बिजली के मांग रहे हैं जो मरियम नवाज साहब ने ऐलान किया था कि हमारी गवर्नमेंट आएगी, मैं 300 यूनिट बिजली की फ्री दूंगी। पॉइंट आ गया है, बिल्कुल आ गया है, मुझे शो क्लोज करना है, लेकिन अगर ये इतना ही फजूल किस्म की बात थी तो फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसको फॉलो क्यों किया? और इन कंपटीशन के मरियम नवाज ने पंजाब में 16 रुपए की रोटी की, आपने 15 रुपए की क्यों की? दिस क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स वैलिड इन टुडेज डेट एंड टाइम। आज के लिए इतना ही, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला आपसे मंडे को हम मुलाकात करेंगे, फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। मीनवाइल फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।